सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका स्वागत है, मैं हूं सुनील कुमार। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 15th वीडियो है, इसके पहले मैं 14 वीडियो प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर अपलोड कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैथमेटिक्स का ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का भी होता है और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का होता है। आपको पता है कि रैंडम वेरिएबल टू टाइप्स का होता है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसके बारे में मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी मैं बता चुका हूँ एक वीडियो में, वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का था, और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे इसको। कैसे डिफाइंड किया गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा और इसके प्रॉपर्टीज, साथ में कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि कैसे डिफाइंड किया गया है इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। इफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स, एक्स हम लोग कोई भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो एफ एक्स है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, आप आई बटन प्रेस करके, ऊपर में आई बटन आ रहा है उसको प्रेस करके उस वीडियो पर जा सकते हैं, मैं इसके बारे में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो एफ एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स का। देन द फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या किए यहाँ पर, एक्स एक रैंडम वेरिएबल लिया है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। अब एक नया फंक्शन, न्यू फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। कैसे डिफाइंड कर रहे हैं, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स से जितना भी छोटा रैंडम वेरिएबल मिल सकता है उसके प्रोबेबिलिटी को कैपिटल एफ एक्स से डिफाइंड कर रहे हैं। और ये कैसे निकाला जाएगा, ये स्मॉल एक्स से अगर हम लोग छोटा रैंडम वेरिएबल लेते हैं तो ये कैसे इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल एक्स तक इंटीग्रेट कर देंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पर हम लोग टी वेरिएबल में ले रहे हैं, कोई भी वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं, तो हम लोग टी वेरिएबल में ये फंक्शन ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक, तो ये बता देगा एक्स लेस देन इक्वल टू का प्रायोरिटी, और ये जो फंक्शन आएगा वो स्मॉल एक्स का ही फंक्शन आएगा। तो इस फंक्शन को कैपिटल एफ ऑफ एक्स कहा गया है, और इसी कैपिटल एफ ऑफ एक्स को कहते हैं इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो भी कह लीजिए। और इसका एक दूसरा नाम है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो करना क्या है, हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेना है, स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स जो है आपको पता होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में कि पी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं ए टू बी तक। तो ए से बी तक अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, और अगर हम लोग इसका निकालना हो पी एक्स लेस देन इक्वल टू ए का तो क्या करेंगे, हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग एक्स लेस देन इक्वल टू ए का, तो हम लोग माइनस इन्फिनिटी से ए तक इंटीग्रेट कर देंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स का, तो क्या करेंगे माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल एक्स तक इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग टी वेरिएबल में फंक्शन ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक फंक्शन आएगा, किसका फंक्शन आएगा ये वेरिएबल का, क्योंकि जब इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट तो माइनस इन्फिनिटी है,
तो ये अपर लिमिट के जो वेरिएबल है अपर लिमिट में उसी का फंक्शन आ जाएगा। तो इसी फंक्शन को हम लोग कैपिटल एफ ऑफ एक्स कह रहे हैं और इसी कैपिटल एफ ऑफ एक्स को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया ऑफ कंटिन्यूस रेंडम वेरिएबल एक्स का। तो यहाँ पर मैं वही डिफाइंड किया हूँ कि अगर इस तरीके से एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, ये फंक्शन क्या बताता है प्रायोरिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स को, और ये निकालते कैसे हैं माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट कर देंगे प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन को, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो एक्स का फंक्शन आएगा, स्मॉल एक्स का फंक्शन आएगा। तो इसी स्मॉल एक्स के फंक्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं या फिर कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। आप देख रहे हैं कि ये बता क्या रहा है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तो ये जो है वो प्रायोरिटी ही बता रहा है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स जो है वो प्रायोरिटी बता रहा है, और प्रायोरिटी आपको पता है कि जीरो से वन तक होता है। तो कभी भी इस फंक्शन का वैल्यू जीरो से छोटा और वन से बड़ा नहीं होगा, जब भी फंक्शन का वैल्यू आएगा तो जीरो से वन तक ही होगा। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टीज हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया कि जीरो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो जीरो से वन तक ही होगा। दूसरा आप प्रॉपर्टीज देखिए कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दें कि एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ध्यान दीजिए ये इस फंक्शन का इंटीग्रल के बराबर है। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इंटीग्रल हट जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा, और जो फंक्शन आएगा वो एक्स का फंक्शन आना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रल हटा करके एक्स का फंक्शन लिखते हैं। और ये मैं बता चुका हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है और जीरो हो सकता है, तो जीरो और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो देखिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया, किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर आ जाए तो वो नॉन डिक्रीजिंग होता है, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ एक्स इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा ये। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टीज में कि हम लोग अगर ये निकालें कि प्रायोरिटी फंक्शन का माइनस इन्फिनिटी पर वैल्यू निकाले, तो माइनस इन्फिनिटी पर कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिमिट लगा देंगे एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स अभी डिफाइंड किए हम लोग, एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड किए हैं, तो एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन था माइनस इन्फिनिटी टू एक्स तक इंटीग्रेट करते हैं प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन को, और इसमें लिमिट लगाते हैं तो लिमिट क्या हो जाएगा एक्स टेंस टू, ये माइनस इन्फिनिटी है तो वहाँ पर हम लोग एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर दीजिए एक्स के जगह, तो आप देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम आ गया, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रल का सेम हो तो इसका वैल्यू जीरो, यानी माइनस इन्फिनिटी पर फंक्शन का ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा, और प्लस इन्फिनिटी पर क्या होगा हम लोग ये देखते हैं कि प्लस इन्फिनिटी पर क्या होगा, ये सिर्फ इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ पर रहने देते हैं, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेफिनेशन है कि माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक इंटीग्रेट करते हैं प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन को, अब लिमिट लगा देते हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और मैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन में मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए तो ये टोटल प्रायोरिटी बताता है और ये कितना होता है वन होता है। तो माइनस इन्फिनिटी पर इस फंक्शन का वैल्यू जीरो आ रहा है और प्लस इन्फिनिटी पर वैल्यू वन आ रहा है, यानी जीरो से वन के बीच में ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अगर पुट करें तो जीरो से वन, यानी कि कह सकते हैं कि इस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा वो जीरो लेस देन इक्वल टू वन होगा। अब इसका फोर्थ प्रॉपर्टीज है, फोर्थ प्रॉपर्टीज देखिए कि ये फोर्थ प्रॉपर्टीज में से क्या है,
अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, तो ये अभी मैं बता रहा था कि डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि ये जो है वो स्मॉल एफ एक्स के बराबर है, ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी डिफरेंशियल, डी ऑफ एफ एक्स को हम लोग कहते हैं प्रायोरिटी डिफरेंशियल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ये प्रायोरिटी डिफरेंशियल ऑफ एक्स कहलाता है, रेंडम वेरिएबल एक्स का प्रायोरिटी डिफरेंशियल कहलाता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ये देखिए कि प्रायोरिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये ए से बी तक इंटीग्रेट करते हैं इसको, और अब ए से बी तक इंटीग्रेट करना है तो इसको आप देखिए कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी से बी तक इंटीग्रेट करते हैं और उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं माइनस इन्फिनिटी टू ए तक का इंटीग्रल। ये कैसे यूज किए हैं ये आप समझिए, यहाँ पर ए से बी तक इंटीग्रेट करना था, ए से बी तक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से बी तक, और फिर माइनस इन्फिनिटी से ए तक इंटीग्रेट करके सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो ये पूरा इंटीग्रल में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ये वाला इंटीग्रल बच जाएगा ए टू बी, तो वही ए टू बी बच जाएगा। अब देखिए मैं अभी बता चुका हूँ डेफिनेशन में कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से बी तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये बताएगा प्रायोरिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू बी को, और ये बताएगा प्रायोरिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए को, और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से लिख सकते हैं पी ऑफ बी, क्योंकि अभी डिफाइंड हम लोग कर चुके हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स होता है। तो यहाँ पी एक्स लेस देन इक्वल टू बी है इसीलिए ये एफ बी हो गया, और ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ए से बी तक का अगर प्रायोरिटी निकालना है तो एफ बी में एफ ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बी पॉइंट पर निकाल लेंगे और फिर ए पॉइंट पर निकाल करके उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और मैं ये प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन में मैं बता चुका हूँ कि ये जो है पी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, या फिर पी ए लेस देन एक्स लेस देन बी, या फिर इज इक्वल टू, ये सभी इक्वल होता है पी ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, या फिर पी ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, ये सभी इक्वल होता है, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूस में ये सभी इक्वल होता है। और सभी इक्वल होता है तो इसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, इसका वैल्यू कितना है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो सभी का जो वैल्यू आएगा वो ये चार जो रिजल्ट है वो फोर रिजल्ट्स का वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी आप ये कह सकते हैं ए से बी तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन को। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज था ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देखिए कि द डायमीटर से एक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल इज एज्यूम टू बी ए कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कोई इलेक्ट्रिक केबल है उसका जो डायमीटर है उस डायमीटर को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं और ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है विथ प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, और इस कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इंटू वन माइनस एक्स, जहाँ पर x जो है वो 0 से 1 तक ही होगा। तो अब चेक करना है कि चेक दैट द एबव इज ए प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन है ये चेक करना है। फिर ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सी डी एफ कंटिन्यूस कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी हम लोग को फाइंड करना है ऑफ रेंडम वेरिएबल x, और कंप्यूट करना है इस प्रायोरिटी को। तो चलिए देखते हैं कैसे इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, अगर
ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, तो जो रेंज है x का वहाँ से अगर इंटीग्रेट करते हैं उस लिमिट में, तो रेंज x का क्या है 0 से 1, तो 0 से 1 तक अगर इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को तो ये 1 आना चाहिए। अगर ये 1 आ गया इसका मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा ये। तो चलिए चेक करते हैं कि ये 1 आ रहा है या नहीं। 0 से 1 तक इंटीग्रेट करना है, फंक्शन का वैल्यू है 6 × x × 1 − x dx। 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए और यहाँ पर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x − x2। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इंटीग्रेट करते हैं तो ये x² / 2 − x³/3, ये 0 से 1 तक। अब अपर लिमिट बैठाते हैं तो अपर लिमिट हो जाएगा 1/2 − 1/3, और 0 पुट करने से 0 हो जाएगा, तो ये 6 यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा 3 − 2, यानी कि 6 × 1/6 ये कैंसिल होकर के 1 आ रहा है। तो इसका इंटीग्रल जो रेंज था x का, उस रेंज में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रल 1 आ गया। तो देयरफॉर fx इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो पहला तो क्वेश्चन बन गया। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं, ये सेकेंड में क्या कर रहा है। ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक एक्सप्रेशन हम लोग को फाइंड करना है। तो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx कैसे निकालेंगे। fx इज इक्वल टू होता है, आपको पता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के x तक इंटीग्रेट करते हैं इस स्मॉल fx को। तो ये माइनस इन्फिनिटी से x तक जो करना है, तो उसमें फंक्शन जो डिफाइंड है वो 0 से 1 के लिए ही डिफाइंड है। तो 0 से 1 आने की ये जो x का वैल्यू है, यहाँ पर आप देख रहे हैं x का जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक ही हो सकता है, 0 से छोटा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी से हम लोग नहीं लेते हैं बल्कि 0 से ले लेते हैं। तो 0 से लेकर के हम लोग x तक इंटीग्रेट करेंगे, और जो x का वैल्यू होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा x का वैल्यू 1 तक हो सकता है या फिर उससे छोटा ही होगा। तो 0 से x तक इंटीग्रेट करेंगे इस fx को। fx का वैल्यू है यहाँ पर डिफाइंड किया हुआ है 6x × 1 − x dx। 6 कांस्टेंट है, बाहर रखिए, और x यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रल हो जाएगा x² / 2 − x³/3। तो ये 0 से x तक करना है, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 6 × x² / 2 − x³/3, और लोअर लिमिट पुट करने से 0। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x² − 2x³। तो ये फंक्शन का वैल्यू हो गया, लेकिन x का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है, x का वैल्यू 1 से छोटा ही रखना है, और 0 से तो खैर बड़ा ही रखना पड़ेगा। ये तो 1 से छोटा और 0 से बड़ा। लेकिन अब हम लोग इस फंक्शन को अगर लिखें तो fx इक्वल टू, देखिए ये 0 < x > 1 पर अगर रखते हैं तो फंक्शन का वैल्यू 3x² − 2x³ आएगा। लेकिन अगर x का वैल्यू हम लोग 0 से छोटा रखेंगे तो उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, उसमें x का कोई, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइंड किया गया वो 0 से 1 तक ही है। x का वैल्यू 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो 0 से छोटा नहीं हो सकता है, तो उस समय फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। और 1 के आगे अगर हम लोग ले जाते हैं तो 1 के आगे में x > 1 पर कितना होगा, ये फंक्शन टोटल प्रोबेबिलिटी बताएगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 हो जाएगा। 0 में प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं कि अगर x के जगह 0 बैठाते हैं तो ये फंक्शन का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। x के जगह 0 बैठाएंगे तो ये 0, और 1 पुट करने से आप देखिएगा ये 1 आ जाएगा। तो 1 पुट करने से 3 − 2 1 आ रहा है, और 1 से अधिक पर भी 1 का ही 1 ही वैल्यू आएगा। क्यों 1 आएगा, मान लीजिए f(2) निकालना है, तो f(2) निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से 1 तक एक अलग इंटरवल में इंटीग्रेट कर लेंगे, और फिर 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 से 1 तक जो है वो इसका, 0 से 1 के बीच में जो भी फंक्शन का वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू 0। तो ये फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि इस इंटरवल में 1 से 2 में डिफाइंड नहीं है, मतलब आप फंक्शन को उसको 0 मानिए, तो
प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन उसके अलावा जिसमें डिफाइंड है वो तो ठीक है, जिसमें डिफाइंड नहीं होता है वो जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया वन प्लस जीरो यानी कि वन हो जाएगा। तो वन से बड़ा में अगर कोई भी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो वन ही आएगा। तो इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू वन में वन हो जाएगा और लेस देन में जीरो आएगा, और जीरो से वन के बीच में ये हो गया। तो ये कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल गया। अब हम लोग को एक और चीज़ निकालना है यहाँ पर, इसके बारे में देखिए कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये कैसे निकालते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। हम लोग को थर्ड में निकालना है कि पी एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू डिवाइडेड बाय वन बाई थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू बाई थ्री कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आपको याद होगा पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। हम लोग यहाँ पर लेते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो क्या करते हैं, ए और बी दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर लेते हैं और इसका प्रोबेबिलिटी को नीचे लिखते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे आप इसको देखिए। यहाँ पर हम लोग x लेस देन इक्वल टू वन बाई टू है, सपोज कीजिए वन बाय थ्री यहाँ पर है, वन बाय टू यहाँ पर है, टू बाय थ्री यहाँ पर है। इसमें कहता है x लेस देन इक्वल टू वन बाई टू यानी कि इससे छोटा, और इसमें कहता है वन बाय थ्री और टू बाई थ्री के बीच में, तो यानी कि ये दोनों के बीच में। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, जो कॉमन है दोनों में, तो कॉमन यही पोर्शन आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मैं अभी बता रहा था कि पी ए बाई बी के लिए क्या करते हैं हम लोग, पी ए इंटरसेक्शन बी ऊपर में लिखते हैं और नीचे लिखते हैं पी ऑफ बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर लिखेंगे, तो इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, वन बाई थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन बाई टू, और नीचे लिखते हैं पी ऑफ बी, बी नीचे वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे पी वन बाय थ्री लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू टू बाई थ्री। अब इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग निकालने के लिए 1 बाय 3 से 1 बाय 2 तक इस एफेक्स को इंटीग्रेट कर देंगे, और फिर यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 बाय 3 से 2 बाय 3 तक इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हम लोग को पता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 6x इंटू 1 माइनस 6 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर 1 बाय 3 से 2 बाय 3 तक यहाँ पर भी फंक्शन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। अब ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 11/26, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हुआ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेफिनेशन, उसका प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे लिख करके, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।